आप हजारों क्रीम्स यूज करते हैं और हजारों रुपए खर्च करके आप रेमडीज और तरह तरह की क्रीम फॉलो करते हैं ताकि आपके हैंड फिट जो है वो वाइट हो जाए, लेकिन फिर भी इतनी क्रीम्स यूज करने की वजह से आपकी स्किन जो है रफ हो रही है, डैमेज हो रही है, बल्कि साइड इफेक्ट हो रहा है, वाइट तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। और आप इसको सोच रहे हैं कि हमने इतने पैसे भी खर्च कर लिए हैं और जी हमें वाइटनिंग तो मिली नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से फ्री में अपने हैंड एंड फिट को वाइट कर सकते हैं, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट के। सो गाइस चले फिर बिना टाइम जाए कि अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलती रहे और फायदा भी आपको ही हो। तो जी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भुला करें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें। तो जी जैसे ही सर्दियां आ गई हैं और कुछ लोगों के जो हैंड फिट है वो बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं और ड्राइनेस आ जाती है हैंड फिट पे और जो फिंगर्स की नकल्स होती हैं वो जो है ब्लैक हो जाती हैं और बहुत अजीब से हैंड लगते हैं और बिल्कुल भी रौनक नहीं रहती। तो जी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने हैंड फिट को वाइट कर सकते हैं और यंग कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। फर्स्ट ये कि आप इसको बॉयज भी यूज कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस रेमेडी को किसी टाइम भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग नहीं है। और आप चाहे तो इसको डेली भी कर सकते हैं, चाहे तो आप वीक में एक से दो बार भी कर सकते हैं। उसके बाद जी इससे एक जो पहले वीडियो में मैंने बताया था एक स्टेप, ठीक है, वो मैनी पैडी वाला, ये फॉलो करने के बाद आप अगर आपका मन चाह रहा है कि इससे भी मजीद हम वाइट करें तो आप उसको भी साथ में फॉलो कर सकते हैं ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए। तो गाइस चले फिर बिना टाइम जाए कि रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो जी रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा शैम्पू या फिर फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेस वॉश, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो कि आपके घर में यूज हो रहा हो, तो सिर्फ आपने इतना सा ले लेना है। तो जी नेक्स्ट चीज चाहिए होगी बेकिंग सोडा। इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बेकिंग सोडा के बारे में बताया था, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप ही ये बेकिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा ये वही है जिसको आप मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो एक चम्मच भर के आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद जी आपको लेना है लेमन, हाफ लेमन लेना आपने, और हाफ लेमन जो है इसमें ऐड कर देना है। तो ये आपकी एक क्रीम सी बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी लाइव रिज़ल्ट। आप हज़ारों चीज़ें यूज़ करते हैं और हज़ारों हज़ारों के हिसाब से इतने पैसे भी लगा देते हैं, रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आज मैं बताऊंगी आपको कैसे फ्री में रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए जी ये क्रीम बन गई है। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, जस्ट आप इसको 5 से 6 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं और वो भी आपने फ्रिज में स्टोर करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको यूज़ ऐसे करना है कि जो हमने लेमन इसमें ऐड किया था तो उसका जो खाली ये खोखला सा जो वो रह जाएगा, तो उसको हमने ऐसे करना है, इसमें डिप करना है और हमने फिर इसको अपने हैंड पे अप्लाई कर लेना है। तो अच्छी तरह से आपने इसकी मसाज करनी है 5 मिनट, ठीक है, और 5 मिनट के बाद मैं वापस आती हूँ। तो जी ये रहा रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने, तो फैसला आप लोगों के हाथ में है। आपने बताना कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा। मैंने तो 1 टाइम इसको यूज किया और मुझे रिजल्ट इसका बहुत जबरदस्त लगा। ये देख सकते हैं आप दोनों हाथों में वाजिया फर्क, ठीक है। और जी रिजल्ट अगर आपको अच्छा लगा तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आपको रिजल्ट कैसा लगा, और रिजल्ट अच्छा है तो फिर जल्दी से एक लाइक कर दें ताकि मेरी भी हौसला बढ़े। तो जी देख लें बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आई होप कि आपने रेमेडी बनाने का तरीका तो समझ लिया है कितनी इजी है रेमेडी। आई होप कि ये चीज़ें भी आपके घर में होंगी, आप इसको किसी टाइम भी उठाएं और फौरन से आप यूज कर सकती हैं। उसके बाद ये आपकी एज कोई सी भी आप कर सकती हैं। अगर आप चाह रही हैं कि छोटे बच्चे हम उनको यूज़ करवाएं तो आप हरगिज बच्चों को यूज़ नहीं करवाएं, ठीक है। अगर आप फिट पे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 10 मिनट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने हैंड पे यूज़ किया और 5 मिनट दिया है। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन रेड भी हो सकती है, तो इसको फेस पे आपने हरगिज अप्लाई नहीं करना। आप इसको नेक पे कर सकते हैं, हैंड पे, फिट पे कर सकते हैं और अपने बाजू पे कर सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट पे भी कर सकते हैं, जस्ट आपने इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप हरगिज ये रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद जी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप चाह रहे हैं कि हैंड फिट भी वाइट हो जाए तो आपको लेमन जो है वो स्किप करना होगा।
लेमन को आप स्किप करके इसकी जगह आप रोज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से आप यूज करें तो इंशाल्लाह जी आपके हैंड फिट बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है ना, फिर प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।